टीवी शो बिग बॉस सीजन 13 बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी वाला तमाशा एक बार फिर से शुरू होगा। इस रियलिटी शो का 13वां सीजन आने वाला है। शो के प्रोमोज वगैरह टीवी पर चलने भी शुरू हो चुके हैं, तो वहीं कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कई सीजन की तरह इस बार भी शो को सलमान खान ही होस्ट करेंगे, तो वही सलमान खान को कई तरह के पावर्स भी इस शो में मिलने वाला है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि सलमान खान के साथ में हो सकता है कि कोई टीवी एक्ट्रेस भी आए। वैसे इसके पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसी सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ में कोई फीमेल एक्ट्रेस भी होंगी। लेकिन इससे जुड़ी बाकी कई चीज़ें में काफ़ी बदलाव आया है। शो के थीम, लोकेशन, प्राइज मनी और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के बारे में कई चीज़ें पिछले काफ़ी समय से मीडिया में चल रही है। तो वहीं पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 13 का थीम हर साल बदल जाता है। जैसे पिछले साल कंटेस्टेंट्स जो थे, जो प्रतिभागी थे, वो विचित्र जोड़ी थीम के मुताबिक घर में एंट्री लिए थे, यानी लोग जोड़ी बनाकर घर में आए थे जो बाद में उनके ही पांव की बेड़ी बन गई थी। तो वहीं सूत्रों के माने तो इस बार शो का जो थीम है वो हॉरर यानी कि भूतिया है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस बार बिग बॉस के घर में लगभग 12 लोग आएंगे और ये सभी लोग सेलिब्रिटीज़ होंगे। जी हाँ, इस बार सभी प्रतिभागी सेलिब्रिटीज़ रहेंगे। आम आदमी वाला मामला इस बार नहीं रखा गया है। वहीं देखा जाए तो इसके दो वजह भी हैं। पहली शो बोरिंग होने वाला लग गया था और टीआरपी अर्श से फर्श पर पहुंचने लगी थी, तो वहीं दूसरी वजह ये भी बताया जा रहा है कि कॉमनर्स के आम आदमी होने पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गया था। पिछले साल कॉमन मैन के नाम से घर में जगह पाने वाले प्रतिभागी सौरभ पटेल ने खुद को किसान बताया था, जबकि वो असल में एक कास्टिंग एजेंट थे। तो वहीं कई तरह के बदलाव सामने आएंगे आपको जब इस शो को टेलीकास्ट किया जाएगा, तो उसके बाद काफ़ी सारे बदलाव होंगे। वहीं आप देखेंगे कि 12 लोगों की जो टीम होगी उसे दो टीमों में बांट दिया जाएगा। दोनों ही टीमें घर के अलग अलग हिस्से में रहेंगी। एक टीम का नाम होगा प्लेयर्स और दूसरे टीम का नाम होगा घोस्ट यानी कि भूत, जहां प्लेयर्स को इन भूतों को पहचानना होगा और भूतों को अपनी पहचान छुपाए रखनी होगी। जिस भी भूत की पहचान हो जाएगी वो बाहर आ जाएगी, वो प्लेयर्स की टीम के साथ घर के मुख्य हिस्से में रहने लगेगा। ये बस कही सुनी बातें हैं, इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये सब सूत्र के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है। बिग बॉस सीजन 13 का पहला प्रोमो आप देख ही सकते हैं। बिग बॉस शो से ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के बारे में है। इस बार तो इंटरेस्टिंग ये भी है कि इस बार जो हिस्सा ले रहे हैं वो सेलिब्रिटीज़ होंगे। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि इस शो में दो टीमें होंगी, यानी कि 12 लोग आएंगे, उसमें दो टीम बटे जाएगी। एक टीम में प्लेयर्स होंगे, दूसरी टीम में घोस्ट होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 में घोस्ट की टीम में जो 6 लोग होंगे उनमें से 3 लोगों के नाम हमें सूत्र के अनुसार मिली है। उसमें से बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस मेघना मलिक हैं, तो वहीं टीवी एक्ट्रेस पवित्र पूनिया भी हैं और साथ ही एक्ट्रेस महिका शर्मा भी हैं। तो वहीं अगर प्लेयर्स की टीम के बारे में बात करें तो मशहूर फिल्म एक्टर राजपाल यादव भी नज़र आने वाले हैं और गोपी बहू यानी कि साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी कि एक्टर देवोलीना भट्टाचार्य भी इसमें नज़र आने वाले हैं। तो वहीं एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे भी आने वाली हैं और टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई भी प्लेयर्स टीम में रहेंगे। तो वहीं दरवाज़ा तोड़ एक्टर यानी कि दयानंद सेठी यानी CID की दया तो आपको याद ही होंगे, वो भी इस शो में नज़र आएंगे। तो वहीं टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी इस शो में नज़र आएंगे। तो वहीं इन लोगों के अलावा शो में हिस्सा लेने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में चंकी पांडे, आदित्य नारायण और कॉमेडियन कृष्णा की बहन और एक्ट्रेस आरती सिंह का नाम भी बताया जा रहा है। अब खबर ये भी आ रही है कि सारे फैसले जो हैं वो बिग बॉस ही लेंगे, मतलब कि इस बार जो है इस शो में बड़ा बदलाव किया गया है। कुछ फैसले जो है वो शो के होस्ट सलमान खान ही लेंगे। इस सीजन में सलमान खान को कुछ खास पावर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले हफ्ते शो में कौन बाहर जाएगा इसका फैसला
सलमान खान करेंगे। तो वहीं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको पता चलती रहेंगी बिग बॉस सीजन 13 को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।